हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे सुबह सुबह नाश्ता मिला, बढ़िया पकौड़ी और पापड़ आंटी के हाथों से। ऐसे तो यूजली प्लेन नाश्ता करते हैं, तो सुबह मन थोड़ा खुश हो गया नाश्ता करके। फिर मैंने रात को पेपर सॉल्व किया था, ये जेएलओ का है, CRPC CPC पेपर 2। तो मैंने रात को पेपर सॉल्व किया था, बट मैंने आंसर इसके चेक नहीं किए थे, तो मैं सोची मैं सुबह उठ के इसको मैं चेक करूँगी। तो मैंने जेएलओ का ऑफिशियल आंसर किया, मैंने डाउनलोड किया था RPSC की वेबसाइट से। उसके ऑफिशियल आंसर की से मैच करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो उसी से पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आंसर्स वेरी करते हैं, बट वही माना जाता है जो ऑफिशियल आंसर के में होता है। वो अलग बात है कि क्लेम करके एक दो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, बट RPSC का मतलब ऑफिशियल आंसर की ही चेक करें तो ज़्यादा सही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोचिंग वाले जो बताते हैं फिर यूट्यूब पे देखने से, वो भी आंसर सुन के भी वेरी करते हैं जो टीचर्स के। तो इट्स बेटर कि ऑफिशियल आंसर की ही चेक करें, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। 150 क्वेश्चन होते हैं उसके जेएलओ के पेपर में, तो मैंने ये सेकेंड पेपर CRPC CPC का चेक किया, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं दोनों सब्जेक्ट से। वो थोड़ा एक अपना आइडिया पता चलता है कि पेपर तो सही आता है, बहुत टफ नहीं आता, पर थोड़ा पता चलता है कि हाँ कहाँ गलती हो रही है थोड़ी बहुत। कभी कभी कन्फ्यूजन में भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैंने जितना ये अपना पूरा आंसर की मैच किया ऑफिशियल आंसर की, तो मेरे टोटल 13 क्वेश्चन गलत हैं। मैंने इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स कहीं कहीं किए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें CPC का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या क्या पनिशमेंट, अगर विटनेस को बुलाते हैं और वो नहीं आता तो क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम एक्सीडिंग 5000, बल्कि यहाँ पर मुझे नॉट एक्सीडिंग 5000। मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से, बट बाय मिस्टेक मैंने इस पर लगा दिया 4th वाले पे। इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स बार बार हो जाते हैं। तो गाइस प्लीज़, अगर आप भी पेपर मेरी तरह मिस्टेक अगर आपका भी होता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। एक क्वेश्चन और मैंने ऐसे ही गलत किया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 10, वहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर CRPC में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि 358 में कि नॉन सफिशिएंट ग्राउंड पे उसका अरेस्ट किया गया है तो क्या कंपनसेशन मिल सकता है। 358 में सीधा सीधा लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 1000 लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ सही से पढ़ा नहीं, मैं यहाँ लगा दी नॉट एक्सीडिंग 10000। मैंने बल्कि यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन 358 से ये रिलेटेड है, बट ये पढ़ने में मिस्टेक हो गया, मैंने आंसर गलत लगा दिया। तो आप भी आपकी भी अगर बार बार मेरी तरह मिस्टेक होती है तो गाइस प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऐसे निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सब क्वेश्चन मतलब गलत होने वाले हैं ही नहीं, बट फिर भी गलत हो गया इसका मतलब पेपर सही से थोड़ा पढ़ के अच्छे से देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना आंसर राइटिंग, जो कि रेगुलर एक करती हूँ। अभी तो मैं CRPC का कर रही हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर जो भी मैंने पढ़ लिया है मटेरियल से या फिर अपने नोट से जो भी मैंने, ये मेरी कॉपी है। पहले मैं वो दूसरी कॉपी लेती थी, उसमें लाइनिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत करना पड़ता था। तो मैंने ये पूरी कॉपी जो आती आंसर UPSC की आंसर मार्केट में मिलती रहती है वो मैंने ले ली, तो इसमें सही रहता है, इसमें क्यों लिखना ही रहता है। और फिर एक अपना एक वो भी बन जाता है, हैबिट भी बन जाता है कि इतना ही मुझे करना, मैक्सिमम इतना ही होने चाहिए। तो मैं अभी लिख रही थी CRPC का चैप्टर का, अरेस्ट चैप्टर का मैंने एक क्वेश्चन उठाया था जो प्रीवियस ईयर में आया था। मैक्सिमम वही के आंसर कर रही हूँ, आंसर आइटम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्लस मटेरियल में भी कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम वही प्रीवियस ईयर वाले ही करती हूँ। और सबको ये मैं एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ आंसर लिखिए। शुरू में आप वैसे ही आप कॉपी से देख के लिखिए, बुक से देख के लिखिए, अगल बगल अपने स्टैंडर्ड बुक से देख के अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, लेकिन आप आंसर राइटिंग करिए, उस नोट्स को पढ़िए 2-4 बार, फिर आंसर राइटिंग करिए। शुरू में 2-4 बार गलतियाँ होंगी, कई बार होंगी, लेकिन आप करिए। इन केस अगर किसी का प्री क्वालिफाई भी हो जाता है, मेंस में उतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्री के बाद मेंस की प्रैक्टिस करें, तो इट इज़ गोइंग टू हैम्पर यू अ लॉट अगर आप पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस होगी नहीं। मैक्सिमम मैं यही करती हूँ, मेरी कोचिंग में भी बताया था कि आप बड़े से बड़े आंसर कोई भी हो, 10 नंबर वाले 15 नंबर वाले, वो आप 2-2.5 पेज मैक्स टू मैक्स 2-2.5 पेज का आप आंसर लिख के प्रैक्टिस करिए, तो ये अपने आप वो हैबिट बन जाएगी। उसके बाद मैंने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है थोड़ा, और बार बार रिवीजन करना भी ज़रूरी है क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आते हैं अंदर से भी। तो ये जेलों के लिए भी ठीक रहेगा
और जो हम लोग आगे जुडिशरी का जो एग्ज़ाम देंगे उसमें भी सही रहेगा। तो मैंने अभी उठाया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, मुझे पूरा कंप्लीट करना था। मतलब मैं टॉपिक बाय टॉपिक में उठा रही हूँ कि पढ़ तो चुकी हूँ, एक बार रिविज़न करें केस लॉज वो सब दिमाग में रखना प्रॉपर ज़रूरी है। इसलिए बार बार जितना रिविज़न हो सकता है आप उतना रिविज़न करिए, अपने मटेरियल को एकदम लिमिटेड रखिए और अपने नोट्स खुद के बनाइए। मेरी यही कॉपी है जिसको मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने अपने जो कोचिंग का मटेरियल है मैं वहाँ से भी देख के थोड़ा बहुत इसमें मैं नोट्स वगैरह अपना बना चुकी हूँ, प्लस जो क्लास नोट्स थे। तो मेरी यही कॉपी है, मेरी ये बेरेक्ट जो मेरी कॉलेज के टाइम से थी। तो मैंने बहुत सारे मार्किंग अपने बहुत सारा बेरेक्ट पे भी किया हुआ है, तो हाईलाइट वगैरह बेरेक्ट में किया हुआ है। तो मेरा प्रॉपर रिविज़न यहीं से चलता रहता है। आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि कोई भी हो, बीट कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एनी सब्जेक्ट, आपको जितने इतने सारे लेंदी हैं, इतने ज़्यादा लेंदी हैं सारी चीज़ें, कि आपको बार बार रिविज़न करना ही पड़ेगा। आप दो चार चैप्टर आगे पढ़े पिछला पक्का भूलता ही भूलता है। तो इसलिए आप प्रॉपर इसको रिविज़न करिए। उसके बाद मैं अभी जब ये कर लेती हूँ फिर मैं PYQ सॉल्व करती हूँ, और इसमें से मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेंस में क्या आए हुए हैं, तो मैं वो आंसर मैं कर लेती हूँ अपना एक बार आंसर राइटिंग। तो गाइस आप अपना प्रॉपर रिविज़न करिए। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो कॉलेज में टॉप करते हैं बट इन केस कभी एग्ज़ाम में वो रह जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते तो अच्छे से, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बट उनका रिविज़न नहीं होता है, तो चीज़ें धीरे धीरे भूलती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो कोई भी हो, आप अच्छे से आपको आपकी हैबिट है लिख के प्रैक्टिस करने की, आप लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, बट चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन रिमेंबर योर थिंग्स। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। उसके बाद मैंने किया अपना लंच। आजकल मेरी टिफिन आ रही है, मुझे जाना था मूवी देखने, आज मेरी मूवी की टिकट थी। एक्चुअली क्लास मेरी थी नहीं, आज 2 दिन का ऑफ था, तो मैं सोचा मूवी देख के आ, तो बहुत देर से मैं कहीं गई नहीं थी। मैंने किया लंच, उसके बाद में पहुंची मूवी देखने। फिर मुझे पहुँचते पहुँचते हो गई शाम, मेरी मूवी थी 2:30 से 5:30 की। तो फिर मुझे घर आते थे 7:30 7:30 बज गए। फिर मैं अपना जल्दी से शाम का जो पूजा वगैरह होता है वो की थोड़ा दिया जला देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है पूजा वूजा करके। कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं, रोज़ ही करती हूँ और थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने किया चाय पानी, फिर मैंने शुरू किया अपना लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ी चुकी हूँ, हमारे कोचिंग में जो सर ने पढ़ाया था, मतलब इतना बेहतरीन उन्होंने पढ़ाया था, मैं सच बोल रही हूँ, देर इज़ नो काइंड ऑफ प्रमोशन, नथिंग। उन्होंने बहुत अच्छे से लिमिटेशन क्लियर किया था। उसके बाद ये बेरेक्ट है, ये एम्बिशन की बेरेक्ट है, ये तो एकदम मतलब सोने पे सुहागा है, ये इतनी बढ़िया ये बेरेक्ट है। अगर आपके पास कोई टीचर भी नहीं है, मैं तो बेरेक्ट मैंने बाद में लिया है, इनकेस अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, तो अगर आपके पास ये बेरेक्ट है प्लस अगर आप यूट्यूब वगैरह से कहीं थोड़ा बहुत वीडियो देख सकते हैं, तो इट विल मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी थिंग। क्योंकि लिमिटेशन एक में थोड़ी टेक्निकलिटी है, आप प्लेन बेरेक्ट पढ़ के कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सेक्शन का रिलेशन भी पढ़ना है, सेक्शन 3 एंड 13 का रिलेशन, सेक्शन 4 एंड 14 का रिलेशन, 6 7 8 का रिलेशन, ये सब थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो ये आप तभी समझ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अच्छी बुक हो, या फिर आपके पास कोई अच्छा टीचर हो। तो लकीली आई गॉट बोथ, अच्छा बुक और अच्छा टीचर दोनों। तो ये लिमिटेशन चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, और नोट्स उन्होंने इतना अच्छे से बनवा दिया था सर ने, कि ये मेंस के लिए भी बहुत सही है। अगर मेंस में एक्सप्लेनेशन आता है तो आई डोंट नीड टू रिफर एनीथिंग, मेरा ये नोट्स और ये बेरेक्ट बहुत इनफ है। इसमें रिसेंट केसेस भी हैं, फुल एक्सप्लेनेशन भी है, एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का क्लेरिफिकेशन है। आप अच्छे से लिमिटेशन को भी, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से उसको क्लियरिटी बना के पढ़िए, आराम से पढ़िए, रुक के पढ़िए,
बट चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं क्लियर होती फिर आगे जाके वो चीज़ें भूलती भूलती हैं। फिर मैंने अपना डिनर किया, थोड़ा मैं छत पे वॉक वॉक करके आई। उसके बाद फिर हम लोग को एक सीआरपीसी का मेंटेनेंस का एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिला था, तो मैंने तो खुद से वो कर लिया था, बट कोचिंग वाले जब पहले कोचिंग में जब आंसर आपको मिल जाते हैं पहले आप खुद लिखिए, फिर कुछ दिन बाद वो लोग एक स्टैंडर्ड एक मॉडल आंसर बना के देते हैं कि क्या एक आइडियल आंसर होना चाहिए एक स्टूडेंट का। मैंने अपना आंसर तो मैंने लिख लिया था, फिर जो कोचिंग से आंसर आए थे तो आई थॉट कि मैं एक बार मिला के देखती हूँ कि क्या मेरे में कमी है क्या नहीं है। तो मैंने पहले कोचिंग के आंसर्स पूरे अच्छे से रीड किए, फिर मैंने अपने आंसर्स देखे जो मैंने लिखे हुए हैं, फिर मैंने उनके जो आंसर जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे में कमी है या फिर मेरा सही है लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट पूरा नहीं बट हाँ कुछ पॉइंट वहाँ से ले सकते हैं, तो मैंने वो भी नोट डाउन किया, क्योंकि इनके से अगर मैं बाद में अपना ही आंसर देखती हूँ फिर कोचिंग का भी देखती हूँ तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ फाइनल आंसर मेरा क्या होना चाहिए। तो आप भी आंसर प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, कल ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं कि प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, यूट्यूब पर भी बहुत लोग प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसा होता है लिखवाते करवाते हैं प्रैक्टिस, तो आप वहाँ से करिए। आई होप यू लाइक माई सजेशंस एंड माई videos, so if you have any query you can comment me, I will answer it, I will see you in the next video, bye bye.